दोस्तों, आपका मोर अबाउट ऑफ माइक में फिर से स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा आज की क्या कहते हैं और कैसे करते हैं ड्राफ्ट एनालिसिस, कैसे करते हैं ड्राफ्ट, कैसे निकालते हैं मॉडल बनाने से पहले। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें प्लीज़। ओके, जहाँ तक भी मेरा मानना है तो सबसे पहले एनएक्स के अंदर कुछ भी काम करना हो तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम कोई मॉडल या कुछ भी बनाते तो हम उसका पहले ड्राफ्ट एनालिसिस करते हैं, कहाँ से कि क्या होता है, कि हमें अंडरकट तो नहीं बनेगा, नेगेटिव एरिया तो नहीं बनेगा कहीं पे भी। अगर हम कोई भी पार्ट डिज़ाइन करने से पहले उसका हम पहले स्टडी करते हैं कि हम बनाएं कैसे, इसको कैसे इजी रहेगा, हमें पार्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी में भी हो, प्लास्टिक, रबड़, शीट मटर, कोई सा भी हो, हम उसमें पहले यही पार्ट एनालिसिस पार्ट को चेक करते हैं कि हमें बनाने में कहाँ से दिक्कत नहीं आएगी। ये है, ठीक है। अब इसको लेके हम मोड़ करके, अब ये देखो इसमें लिखा हुआ है साइड से आउटसाइड इनर साइड, तो ये आउटसाइड आपको दिखाएगा, जो दिखाएगा ये हरा हरा कलर दिखाएगा, और इनसाइड दिखाएगा आपको ये येलो कलर का, और ऐसे नीचे, तो ये कलर डिफाइन करता है। अभी इसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ से कैसे कोर के प्रयोग क्या निकलता है, ये होता है ड्राफ्ट एनालिसिस। ये पता है जहाँ जहाँ भी कलर चेंज दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है पार्ट को बनाने में, तो हम इसको वो भी दे सकते हैं। वैसे ये जेड डायरेक्शन में ऑटोमेटिक ले लेता है, क्योंकि जो WCS पहले से रखा हुआ होता है उसके भी हब पे ये कलर अपने आप में दिखा देता है। ये कलर चेंज करना है, जो ये कलर चेंज जो दिखा रहा है इसलिए दिखा रहा है कि इस पोर्शन को हमें अलग करना पड़ेगा। इसमें जो रेड पोर्शन दिखा रहा है ना, तो इसका कहने का मतलब है कि ये पोर्शन अलग बनाओ, मतलब कि मॉडल में, समझे। तो ये है आपका ड्राफ्ट एनालिसिस एनालाइज, तो यहाँ से एनालाइज करके और हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि क्या हमें, मतलब कि कैसे बना सकते हैं इस पार्ट को, कैसे नहीं बना सकते। कोई भी जैसे ये ग्रुप दे रखे हैं, ये ग्रुप दिक्कत करेंगे तो ये सब कुछ बता देगा कि यहाँ पे ये दिक्कत करेगा। चल में क्या है ना दोस्तों, इसमें थोड़ी दिक्कत इसलिए आ रही है कि इसमें लाइसेंस नहीं ले रखा है, क्या नाम है इसका, मेरे पास सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है। सॉफ्टवेयर का लाइसेंस में मतलब कि कुछ मॉडल अलग अलग है, तो इस वजह से ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये मेरे मॉडल में है नहीं ड्राफ्ट एनालिसिस का, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत कर रहा है जो आप क्लियर नहीं कर पा रहा। अगर जो किसी के पास पायरेटेड हुआ तो उससे करके मैं आपको दोबारा एक वीडियो और बना दूँगा अच्छी, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम, कुछ भी नहीं है, ना व्यूज़ आ रहे हैं ना शेयर करते हो आप लोग। कम से कम शेयर तो कर दिया करो, जो बंदा जैसा हो उसे सब्सक्राइब करो आप। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, कभी आप बना के देखना एक वीडियो, आपको पता लगेगा कि कैसे पहले रिकॉर्डिंग करो, वॉइस अलग रिकॉर्ड करो, उसको वीडियो अलग रिकॉर्ड करो, किसी के पास कुछ है तो कुछ नहीं है, बहुत दिक्कतें आती हैं, फिर अपलोड करो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। ओके बाय दोस्तों, लव यू।